पिपराइच थाना क्षेत्र के तरकुलही के पास बुधवार करीब 3 बजे बाइक सवार बदमाशों ने ग्रामवासी साइकिल सवार मजदूर चैतु प्रजापति से 48,000 रुपए लूट लिया। वह बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे थे। घटना की जानकारी पाकर SSP डॉक्टर विपिन कुमार तांडा मौके पर पहुंच गए थे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली थी और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मिली जानकारी के अनुसार चैतू का बेटा सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता है। चैतू ने बीते अप्रैल माह में बेटी की शादी के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया था। उनके पुत्र ने कुछ दिन पहले चैतू के खाते में रुपया भेजा था। चैतू ने बुधवार अपहरण रिश्तेदारों को कर्ज लौटाने के लिए भटहट स्थित अपने खाते से 48,000 रुपए निकाला था। रुपए लेकर वह अपने घर जा रहे थे। वह अभी तरकुलही पहुंचने वाले थे कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी साइकिल रोककर साइकिल के हैंडल में टंगा झोला छीन लिया और उन्हें धान के खेत में धक्का देकर गिरा दिया। चैतू के मुताबिक बैंक से रुपए निकालकर उन्होंने झोले में रखा था। रास्ते में रुककर उन्होंने एक स्थान पर जलपान किया और दुकान से मिठाई लेकर उन्होंने उसे भी झोले में रख दिया था। उनसे रुपए छीनने के बाद बदमाश भटहट कस्बे की तरफ भाग निकले। थोड़ी देर बाद वह बदमाशों के पीछे की तरफ निकले तो झोला व उसमें रखी मिठाई सड़क किनारे फेंकी मिली। राहगीरों ने घटना की जानकारी 112 नंबर पर दी। थोड़ी देर में मौके पर SSP, SP नॉर्थ, CO चौरी चौरा व पिपराइच पुलिस पहुंच गई। पिपराइच पुलिस घटनास्थल से लेकर भटहट कस्बे तक CCTV की फुटेज खंगाल रही है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि CCTV के माध्यम से लुटेरों की पहचान की जा चुकी है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, थाना पिपराइच में विगत दिनों जो पैसे छीनने की घटना हुई है, उसमें संदिग्ध व्यक्तियों के कुछ नाम प्रकाश में आए हैं। उनके यहाँ लगातार दबिश पड़ रही है और पुलिस की सर्विलांस की मदद से और क्राइम ब्रांच की मदद से किया जा रहा है कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो और अभियुक्त का अनावरण किया जाए। कुछ ट्रेस हुआ कि कौन अपराधी हैं या अपराधियों का गैंग? जी, एक गैंग पहचान में आया है, उसी के पीछे पुलिस लगी। जी, कितने के सर लूट हुई थी ये? 48,000 एक चैतू नाम का व्यक्ति झोले में पैसे लेकर बैंक से निकल रहा तो मोटरसाइकिल से 3 लड़के आए अज्ञात और उसका झोला छीन के भाग गए।